कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड कौन सी वो थी कम्युनिटी थी? हिंदू थे, रोजगार काम आया साफ हो गए। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? सिख थी। काम आया साफ हो गए भैया, रोजगार दे देके हम साफ हो गए, अब रोजगार हमें नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेन इशू है, नाम तो बता दो। नाम मैं नागरिक हूँ भारत। अरे डर है सर, नाम बता देंगे तो ऐसा ना हो सीए एनआरसी के तहत निकाल दिया जाए देश। टारगेट कर रहे हैं आपको। मेरे फैमिली में सारे आर्मी में है, और क्या करना है आपको? मेरे फादर आर्मी से हैं, मेरे बीएसएफ से रिटायर है, मेरा ब्रदर। तब भी कह रहे हैं आपके रोजगार नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है सर। और परसेंट है इन्फ्लेशन रेट भारत की? तो क्या हुआ कि मैं एक दिन मिलने चला गया, बहुत पहले की कांग्रेस के जमाने में क्या होता, ढाबे पे आ जाते थे, कृषि भवन में आ जाते थे, कहते यार मोदी का जमाना आ गया। मैं क्या हो गया? कहता जी वो कहता मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तुम कम से कम 8 घंटे तो करो। मैं फौजी रिटायर हूँ, सुनो मेरी बात, बंगाल इंजीनियर का आदमी हूँ, सन 80 का भर्ती। कांग्रेस के जमाने में, उस जमाने में आटे में साला कीड़ा ज्यादा होता था, सफेद ऐसे रोटी झाड़ते थे, जबकि कहते बड़ा खाना बनेगा उस दिन जरा ठीक मिलेगा, लेकिन साला उस दिन भी कीड़े मिलते थे। स्वागत ये आशीर्वाद आटा फौज में जा रहा है, पैकिंग जा रहा है भाई साहब, इतनी चेंजिंग हो गई आज की डेट में। जो काम मोदी के जमाने में हो रहा भाई साहब, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। बोल कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस ने बनाए हैं, 99% इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने बनाए। अब मैं आपको बात करूं, इसरो कांग्रेस ने बनाया है, आपका बार कांग्रेस ने बनाया है, ठीक है, आपका IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहां से अच्छे अच्छे MBA निकलते हैं, BTech वाले निकलते हैं, IIT निकलते हैं, सब नेहरू ने दिए हैं। साइकिल इस्तेमाल करता था जब उनकी सिगरेट विमान से आती थी, इसरो को साइकिल मिली थी। ये नेहरू की बात कर रहे हैं। भाखड़ा बांध बन रहा था तो एक अंग्रेज आया बाहर से इंजीनियर, बेचारा देखता रहा यार इतनी देर हो गई साला, ये मतलब लेबर जो है उस हिसाब से काम नहीं कर, जिस हिसाब से काम होना चाहिए, इतने घंटे होकर ये इतने ही मतलब इनको ना उठाए यहाँ से सामान। कहता जी ऐसा है, ये हम तो यहाँ पे जो है रोजगार दे रहे हैं, हम ये जो बांध बना रहे हैं वो रोजगार के लिए दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये जहाँ 10 दिन में बनेगा वहाँ 10 महीने में बन जाएगा, तो ऐसे काम नेहरू ने करे। एक सेकंड अंकल जी, हम कट्टर, अरे आप हिंदू, हम सनातनी है, ऐसे मिलेगा रोजगार? आप वो बात करो, रोजगार हो क्या? मुझे रोजगार से रोजगार हो क्या? मैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड हो ना? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, रोजगार रोटी खाओ, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, आप मुझे धर्म के नाम पे बदलाओ। इनको मैं एक बात बताऊँ, ये खुद के गंजी में जितनी छेद है ना उसको ढकने का काम करे, हमारी गंजी में कितनी छेद है उसको मत देखे, हमारे पास रोजगार है। कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड कौन सी वो थी कम्युनिटी थी? हिंदू थे, रोजगार काम आया साफ हो गए। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? सिख थी। काम आया साफ हो गए भैया, रोजगार दे देके हम साफ हो गए, अब रोजगार हमें नहीं चाहिए। दूसरों को दोष मत दो भाई साहब, थोड़ा शांति से आप काम कीजिए। बरगला कोई नहीं रहा है, कोर्ट का फैसला आया था, मुद्दा ये था, कोर्ट का फैसला आया था, आप कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, आप सरकार को भी नहीं मानेंगे। रोजगार को बात करिए, महंगाई की बात करो। क्या नाम है आपका? मेन इशू है, नाम तो बता दो। नाम मैं नागरिक हूँ भारत का। देख ली, नाम नहीं है कुछ? नागरिक हूँ मैं भारत का। देखो एक आप 22 होके बात मत करो, अगर आप चैनल न्यूट्रल, नाम नहीं बताएंगे ऐसे टारगेट करेंगे, नागरिक बोलते हैं आपको सब, नाम बता दीजिए। जाकिर नाइक, क्या कह रहे हो सर? आपको रोजगार चाहिए लेकिन नाम नहीं बताएंगे। कार्ड दिखाऊं? अरे सर रोजगार, आप कार्ड क्यों दिखा रहे? आपको रोजगार कैसे मिलेगा, आप नाम नहीं बता रहे, कौन रोजगार दे देगा आपको? आप नाम नहीं बता पा रहे। अरे डर है सर, नाम बता देंगे तो ऐसा ना हो सीए एनआरसी के तहत निकाल दिया जाए देश से। अरे भाई साहब, इसीलिए इतना डर रहे हैं सर, वरना तो अब तक नाम बता दिए होते। नाम नहीं बताना है लेकिन देश का 2-2 बूस्टर डोज लगवा के घूमना है, देश का 2 साल कोविड में राशन खाना है, उसके बाद हमारे देश के रस्ते पे चलना है, हमारे देश की पब्लिक सर्विसेज को यूज करना है। अरे अब तो बता दीजिए नाम, लोग टारगेट कर रहे हैं आपको। मेरे फैमिली में सारे आर्मी में है, और क्या करना है आपको? मेरे फादर आर्मी से हैं, मेरे BSF से रिटायर है, मेरा ब्रदर। तब भी कह रहे हैं आपके रोजगार नहीं है, तब भी आप मांग रहे रोजगार नहीं है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। फिर आज की बात कर रहा हूँ मैं, आप इन्फ्लेशन डाटा देखा आपने? इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है सर। और परसेंट है इन्फ्लेशन रेट भारत की? भाई साहब मैं ना फाइनेंशियल की इन्फ्लेशन रेट कितनी परसेंट है? मैंने फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर से, फिर भी नहीं पता। सुन लो ना, सुन रहे हैं आपको? सुन ही रहा हूँ। इन्फ्लेशन 6.1 एवरेज, सिक्स इन्फ्लेशन कितनी बार आती है मुझे बताओ। मैंने क्या पूछा, आप क्या पूछने लग गए? इन्फ्लेशन रेट कितनी परसेंट है ये बताओ। आप कौन होते पूछने वाले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप इन्फ्लेशन कितनी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप रोजगार में क्या चाहते हैं? सरकारी जॉब चाहते हैं? आप तर्क से बात करेंगे? मैं तर्क से बात कर रहा हूँ ना, आप सरकार पैसों की बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं, ठीक है, शांति से बात करें। आप रोजगार में क्या चाहते हैं? सरकारी जॉब चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए, नाम मत बताइए। सेल्फ एम्प्लॉयड है सर। सरकार, सर आप रोजगार का डाटा उठाएंगे, पहले से रोजगार घटा है,
ठीक है। अब बेतु की बातें सर आप खुद कर रहे हैं, मैंने सीधा सवाल किया, आपको सरकारी जॉब चाहिए वही रोजगार के डेफिनेशन है क्या? तो आप किसको, 2 करोड़ का जो टारगेट है वो किसको बोलेंगे आप? जो बंदा अपना रेडी लगा के काम कर रहा है वो भी रोजगार मानेंगे? वो रोजगार मानेंगे, वो सरकार का क्रेडिट है। अब इन्होंने 2 करोड़ की बात करी, इनसे ये पूछो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी या 2 करोड़ जॉब की बात की थी मोदी जी ने? लेबर लाओ, 2 करोड़ जॉब बोला था, 2 करोड़ रोजगार बोला था, चलाना चाह रहे हैं, बाबूजी बनना चाह रहे हैं। तो 2 करोड़ भाई साहब, जब केंद्र सरकार के यहाँ 10 लाख पद खाली पड़े हुए, आप उन पद को भरिए, रोजगार कम होगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक छोटे से बात कर लेते हैं, आपके घर से सब आर्मी में है, दिमाग भी आपके अंदर होगा, समझ आता होगा चीजों का, मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, अगर सबको सरकारी जॉब चाहिए तो सरकार जो वो अमाउंट सैलरी के रूप में देती है वो कहाँ से आता है सरकार के पास? सरकार अपनी जेब से देती है, कहाँ से आता है सर? टैक्स कहाँ से आता है? टैक्स से आता है सर। टैक्स कहाँ से देते हैं लोग? टैक्स कहाँ से देते हैं? अपने हर चीज कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो लोग पे करते हैं ना, उसी टैक्स से सरकारी जॉब के उनको एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। अगर सब लोग कॉर्पोरेशन छोड़ के सरकारी जॉब करने लग जाएंगे सरकार के पास पैसा मिलेगा? आपको किसने कहा कि सब लोग जॉब सरकारी जॉब करें? आप सरकार कितने परसेंट को जॉब देती है? 2% को भी नहीं जाती है, 80-90 मालूम है सर, आपको मालूम है मेरे पास सारा। किसी भी देश की सरकार 2% से ज्यादा जॉब नहीं दे सकती, लेकिन भारत में 2.2% जॉब्स है, ये आंकड़ा पता है आपको? आप कह रहे हो कि सबको कैसे दे, आप कह रहे हो ना सबको देगी, तो कहां दे रही है सबको? आप तर्क पे बात ही नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा 2.2% जॉब सरकारी है इंडिया में, सबको दे रही है, सबको कहां दे रही है सरकार जॉब? सिर्फ 2% को दे रही है, बाकी 95% सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप क्यों बोल रहे हो कि सरकार सबको जॉब दे भी नहीं सकती है? कहाँ से दे पाएगी? आपकी नजर में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ही नहीं है, है ना? जो डाटा होता है ना, वो डाटा बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का डाटा बढ़ा हुआ है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, अभी चाइना की प्रेजेंट की हुई रिपोर्ट पढ़ेंगे ना सर, तो यही हाल होना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी का डेटा पढ़ो रेदर देन रीडिंग कम्युनिस्ट डेटा। सर ऐसा है, आप अगर आरएसएस से हो सर, बात और हम कम्युनिस्ट हैं, तो ये कोई हम बात कर रहे हैं सर पे कितने बाले, तो ये बता रहे नीचे कितने लग लगाए हुए, जज कर ले कि आरएसएस से हैं, कहाँ एक तरफ ले जाओ, आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा कि 2% जॉब्स होती हैं इंडिया में, 2.2% है, ये तो ज्यादा हो गया ना फिर, आपको तो सवाल ही नहीं खड़े करने चाहिए। आप कह रहे हो कि सरकार सबको जॉब दे देगी? जी जी क्यों, आप इधर तो आइए, आपने बैक कैमरा बोल दिया, पूछो। सरकार नौकरी दे देगी, लेकिन नौकरी देने वाले को तनख्वाह कहाँ से देगी? सरकारी कर्मचारी कहाँ से कमाएगा? आप ये बताइए ना भाई, कमाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वाला ही है कि नहीं? उत्पादन कौन करता है? अब आज की डेट में भाई साहब लेबर नहीं मिल रही, आज की डेट में लेबर नहीं मिल रही। 600 आप, मैं भी पीछे केदारनाथ गया था, केदारनाथ में 700-800 रुपए 1000 रुपए दिहाड़ी के लिए एग्री हो रहा ठेकेदार, लेकिन लेबर नहीं है, समझे? क्यों, नीचे का काम कोई करना नहीं चाहता। आप गांव घरों में भी देखो, जो लड़का हाई स्कूल इंटर कर रहा है वो मोबाइल कंप्यूटर सीख जा रहा है, अब वो क्या है, या तो कंप्यूटर चलाना जानता है, खेती बाड़ी उसे चलानी नहीं आती, अब जब वो नहीं आती तो मजदूरी कौन करेगा? जब मजदूरी कोई नहीं करेगा तो सारा अन्न कहाँ से आएगा? अन्न कहाँ से आएगा तो पेट कहाँ से भरेगा? सब बाबू बन जाएंगे देश में, फिर तो हो गया काम। और ये होना हमेशा रहा है इस देश में, आप दलीप कुमार की पिक्चर देख लो 50 साल पुरानी, उसमें भी वो रोजगार के लिए घूम रहा है, राजेश खन्ना का जमाना आया वो भी गरीबी के नौकरी के लिए रो रहा है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप जनसंख्या क्यों नहीं देख रहे देश की, कि आज 150 करोड़, इतने बड़े मुल्क को भाई साहब चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आप छोटे देश नहीं संभाल जा, वो कनाडे वाले की हालत खराब हो रखी वहाँ, तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, तो इस बड़े मुल्क में अगर कोई शासन कर रहा है जहाँ आपस में हमारी भाषाएं नहीं मिलती, हमारा धर्म नहीं मिलता, वहाँ अगर हम एकजुट हैं, आज भी मैं मेट्रो में सफर करता हूँ और बड़ा मजा आता भाई साहब, हर बंदा इस पे लग रहा है, बात कर रहा है, एक मद्रासी में बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, एक कोई पहाड़ी में बोल रहा है, कुछ अलग है में, और फिर भी हम एक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नौकरी की जहां तक बात है, इस देश में कमी नहीं है, और आने वाले समय में देखना आप, अभी जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहिए ना इनको प्राइवेट नौकरी, इनको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। मैं पीछे बताऊं, मेरे मित्र अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे पीछे, तो क्या हुआ कि मैं एक दिन मिलने चला गया, बहुत पहले की कांग्रेस के जमाने में क्या होता है, ढाबे पे आ जाते थे वो, कृषि भवन में आ जाते थे, फोन कर दो भाई फलाने सिंह आ जा, वो आ जाते थे चाय चुई पी, 1-2 घंटे निकाल के चले जाते। फिर मैंने उसको बोला क्यों नहीं आ रहा भाई तू, कहता यार मोदी का जमाना आ गया। मैं क्या हो गया, कहता जी वो कहता मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तुम कम से कम 8 घंटे तो करो, और 8 घंटे में कहता जी वो
अभी क्या हो रहा हमारे यहाँ पे, जो लोग नौकरी नहीं करते, पहले क्या होता था कार्ड पंचिंग होता था सरकारी नौकरी में, क्या है जो नेता है जो ट्रेड यूनियन का नेता है सुबह कार्ड पंच करता है और अपने घर भाग जाता है, शाम को आता है 5 बजे फिर कार्ड पंच करता है फिर चला जाता है, ऐसे लोगों को नौकरी चाहिए। और मैंने कहा भाई क्या हुआ, कहता जी हमारे यहाँ कई लोगों को निकाल दिया नौकरी से, बर्खास्त कर दिया है इसी चक्कर में, काम नहीं करते हैं। आज भी देखिए अगर सरकारी कर्मचारी काम करता तो सरकार को कम करने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरी बात सुने आप, कुछ मैं आपको फैक्ट आपको बता रहा हूँ, सुनना जान से। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2014 भारत की रैंकिंग 100, 2022 पूरा डेटा संभाल के रखा हुआ है, बस सुनना सुनना प्लीज है आप, 22 में 2022 में 116, हंगर इंडेक्स 56 2014 में गिर के 107 हो गया 2022। हाँ मैं आपको, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग 106 थी, अब गिर के 150 हो गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 111 139 गिर के 139 हो गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स 155 वो 180 हो गया। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 114 अब 135 हो गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, ये इंडेक्स है 33 था अब ये गिर के 53 हो गया। हेनरी पासपोर्ट को छोड़ो ये दादा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 था 132 हो गया सर। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब जिससे आप रिलेटेड है ना, मैं उसका फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, 140 था वो 150 हो गया। ठीक है सर, कब के? अच्छा ये आंकड़े हैं कब के? आंकड़े हैं कब? नहीं मैं अभी डाटा व्हाट्सएप से भेजा है, किसी दोस्त यार ने व्हाट्सएप किया, कोई है क्या गूगल वगैरह का, वो पूछ लो इससे जरा। क्या कमा रहे थे और आज क्या कमा रहे, ये बताओ क्या फैसिलिटी 2014 में थी और क्या आज है? उसकी बात कर रहे थे ना, मैं फौजी आदमी हूँ भैया, आंकड़े निकाल कर आए कि रेट गिरा है। ये तो मैं फौजी रिटायर हूँ, सुना मेरी बात, बंगाल इंजीनियर का आदमी हूँ, सन 80 का भर्ती, मैं चाहे मेरे साथ पंजाबी बंदे हो चाहे वो जाट हो गुज्जर हो, सारे बंदे मेरे साथ नौकरी कर रखे हैं, मैं अखनूर से लेके आपके कश्मीर से लेके सब जगह नौकरी कर रखी है। हमने कांग्रेस के जमाने में, उस जमाने में आटे में साला कीड़ा ज्यादा होता था सफेद, ऐसे रोटी झाड़ते थे, जबकि कहते बड़ा खाना बनेगा उस दिन जरा ठीक मिलेगा, लेकिन साला उस दिन भी कीड़े मिलते थे। आज की डेट में सुना पाता था आर्मी के लिए, आर्मी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे एक दफे दाल का वो आया था यादव जिसने दिखाया था कि दाल ऊपर ऊपर नीचे दाल ही नहीं है, वो पानी पानी है। आज की डेट में आप जाओ स्वागत ये आशीर्वाद आटा फौज में जा रहा है, पैकिंग जा रहा है भाई साहब, इतनी चेंजिंग हो गई। और मैं यहाँ पे मैं भाई गोड भगवान कसम कह रहा हूँ, जीवन में हमने फौज में जितनी साल नौकरी करी, एक साल ही कद्दू की सब्जी वो भी सीजन में आ गई होगी कभी तो खाई, और नहीं तो वो रोटी वो आटे वाली मटन मिल रहा है, समझे नहीं आप मिल रहा है मटन मिल रहा है, अरे चिकन आमद आ रहे ना आज की डेट, अरे क्या बात है आज तनखा देखो फौजी की, अरे फौजी हूँ, मैं फौजी हूँ भाई, हमारे तो तुम्हारे तो फौजी है पूरी फैमिली फौजी, अरे मैं तो खुद की बात बता रहा हूँ, आर्मी से मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, आपको सुन लो ना, और मैं वही कह रहा हूँ चेंजिंग आई है, समय लगता है। आज की डेट में जो काम मोदी के जमाने में हो रहा भाई साहब, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है नहीं तो विश्वास करो अगले आदमी पे, एक ईमानदार व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक देश प्रेमी व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति अगर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका जो है प्रधान सेवक है, तो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है इनसे बात करते हैं। अच्छा कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में बढ़िया बढ़िया काम होते थे, इंडेक्स इन्होंने तमाम आंकड़े देखे कि जो अभी गिर गए भाजपा सरकार। भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो, हम यूथ हैं आज के, हम खुद जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, 2014 के पहले भी जाते थे, पहले पैसे देने पड़ते थे, आज क्या है वो आके हमें खुद पूछते हैं सर आपका काम बताओ। दूसरी बात, चलो ये तो अलग बात है, मैं यूथ का हूँ, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ आर्मी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारी थिंकिंग है। अरे कोई काम तो करता नहीं है, जब जॉब पे लग गया शाम को 5 बजे निकल गए, बस ये हिसाब होता है। प्राइवेट जॉब का आप देख रहे हो, दिल्ली गई देख लो, जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी थी आज 1000 कमा रहा है, खुशी से कमा रहा है, और पहले क्या था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। आपकी बात कितनी है, इन आंकड़े के बारे में क्या ख्याल है सर? ये आंकड़े नहीं, ये ओपिनियन है सर, आंकड़े और ओपिनियन में फर्क होता है, मैंने जो दिखाया वो फैक्ट है, वो उनका सोचना है, मैं भी एक सोचना नहीं, ये भी फैक्ट है, सही बोल रहे हैं ये भी। मैं जो दिखा रहा हूँ वो नंबर्स बता रहा हूँ ना आपको, वो कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने निकाले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी के डाटा है,
मैं अपना मैंने अपने घर से नहीं बनाए वो डाटे, ठीक है। अब बात नंबर उन्होंने कहा चाहिए सर, जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ तब जनसंख्या क्या थी और आज जनसंख्या क्या है, ये आप भी भली बात ही जानते हैं। मेरी बात आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए, क्वेश्चन बताइए ना। क्वेश्चन नहीं है, ऐसी डिबेट चल रही है जो आप कह रहे कि आर्मी, आप कह रहे कांग्रेस बढ़िया, मुद्दा तो मेरा मंदिर को लेकर था, लेकिन अभी डिबेट काम को लेकर चल रही है तो वही मेरा मुद्दा है। आप बोल कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस ने बनाए हैं, 99% इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने बनाए। अब मैं आपको बात करूं, इसरो कांग्रेस ने बनाया है, आपका बार कांग्रेस ने बनाया, ठीक है, आपका IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहाँ से अच्छे अच्छे MBA निकलते हैं, BTech वाले निकलते हैं, IIT निकलते हैं, सब नेहरू ने दिए हैं। नेहरू ने 1965 में दे दिया था। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, टाटा कंसल्टेंसी, HCL हो, ये सब क्या अभी लगे हैं क्या, ये कब से लगी हुई है सर? एक बात बताओ, इंडस्ट्री, मैं अभी किताब निकाल के दिखा दूंगा आपको, सारे डाटा दिख जाएंगे। आपका सवाल बढ़िया है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ देश को दिया है, बढ़िया पढ़े लिखे हो। 1947 से लेके 2023 तक कितनी बार कांग्रेस आई है? मैं फॉर्च्यून 500 अभी निकाल के रखूंगा आपके सामने, और वहां पे देखना कि कौन सी कंपनी कब बनी थी। आपने इसरो का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात, इसने कुछ नहीं किया। अरे सवाल तो सुन लीजिए, कुछ ही बात है, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने इसरो का जिक्र किया कि कांग्रेस ने बनाया था, एक सेकंड अंकल जी रुक जाइए, उस जमाने में क्या आप ये जानते हैं, एक सेकंड सुन तो लीजिए, कि नेहरू जी को जो ड्रेस पहनते थे वो विदेश से धुल कर आती थी, सिगरेट के लिए वो विमान मंगाते थे, लेकिन उस दौरान भारतीय इसरो रॉकेट लॉन्च करने के लिए साइकिल इस्तेमाल करता था, जानते हैं नहीं जानते? साइकिल, क्या हो गया सर? साइकिल इस्तेमाल करता था जब उनकी सिगरेट विमान से आती थी, इसरो को साइकिल मिली थी। मेरी बात सुनो, आप ना नेहरू के जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। नेहरू ने एक सुनो, इसरो की बात कर रहा हूँ, क्यों उनको वो चीजें नहीं दी गई, क्यों उनको सुविधा नहीं मिली? अरे मेरी बात सुनो, आपके आप 1947 में 10-10 सालों में एक रॉकेट लॉन्च होता था। बात सुना देता हूँ आपको, मैं सुनो, मेरे से बागड़ाबाज बन रहा था। अरे ये तो सुनिए, बागड़ाबाज बन रहा था, ये नेहरू की बात कर रहे हैं, बागड़ाबाज बन रहा था तो एक अंग्रेज आया बाहर से इंजीनियर, अब उसने देखा कि यहाँ काम चल रहा है तो साहब वो तसल्ले से औरतें से धीरे धीरे काम करी, और वो फावड़ा लगा हुआ, कोई यूं कर रहा, कोई यूं कर रहा, वो बेचारा देखता रहा, यार इतनी देर हो गई साला, ये मतलब लेबर जो है उस हिसाब से काम नहीं कर, जिस हिसाब से काम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ के इंजीनियर को बुलाया, बोला भाई बात सुनो, ये तुम्हारी लेबर कैसे काम कर रही है इतने घंटे होकर, ये इतने ही मतलब इनको ने उठाया यहाँ से सामान। कहता जी ऐसा है, ये हम तो यहाँ पे जो है रोजगार दे रहे हैं, हम ये जो बांध बना रहे हैं वो रोजगार के लिए दे रहे हैं, अब इसमें क्या है कि ये जहाँ 10 दिन में बनेगा वहाँ 10 महीने में बन जाएगा, तो ऐसे काम नेहरू ने करे, ठीक है नहीं? और सुनिए, अब नेहरू की जहाँ तक बात है तो नेहरू की वजह से आज 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 कितनी गलतियां करी, जब आपने दो फाड़ कर दिए, दो भाइयों के घर अलग कर दिए। सर मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि नेहरू ने देश खड़ा किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को खड़ा किया था। सुनिए मेरी बात सुनिए, आज ये झगड़े, ये सुनो, नेहरू को 1 वोट मिला था और सरदार पटेल को 19 वोट मिले थे, तभी वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? बहुत अच्छा सवाल। देखो देखो मेरी बात सुनो सर, ऐसा है, आप ये कहते हैं आप कह रहे हो कि सरदार, आप ये बताओ वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? सर ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बताओ, सरदार पटेल भी कांग्रेस का ही था, सुभाष चंद्र भी कांग्रेस का ही था, नेहरू भी कांग्रेस का ही था, और बताओ आपके RSS का कौन था? पार्टी वालों ने जो सवाल है, पार्टी वालों ने वोट तो सरदार पटेल को दिए थे ना, डेमोक्रेसी का वोट तो सरदार पटेल को दिए थे ना, आप ही के पार्टी वालों ने, नेहरू जी को थोड़ी ना दिए। मेरी बात सुनो, आप क्या कहना चाह रहे हो, नेहरू को गांधी इन सब ने बनाया, तो उसमें आज का क्या मतलब, नेहरू को गांधी से कोई आपत्ति नहीं थी, गांधी को क्या खूबी थी उसके अंदर, ऐसी क्या खूबी, सिर्फ पैसे थे भाई साहब, पैसे वाला था ये आपका, ये तीनों झगड़े पहले सॉल्व हो जाते हैं 47 में ही, अगर नेहरू वही फैसला कर देता कि भैया जो हमारे सोमनाथ मंदिर में, तुम्हें पता है धर्म को, अरे सुनो ना, धर्म को नहीं माना, क्यों झुंझुना पकड़ लो फिर कम्युनिस्ट बढ़ जाओ, इन कम्युनिस्टों ने इस देश का नाश करा, इस देश में शिक्षा प्रति, सुनिए शिक्षा, अरे कौन, बिल्कुल 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 चाहिए सनातन धर्म का, अरे ठीक है शिक्षा मैं नहीं करूंगा, हमें नहीं चाहिए, हमें आप जैसे लोग, भाई साहब आप हमें मत बताओगे हम क्या, आप अच्छा, भेदभाव जो हो रहा है थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए आप, अभी जो भेदभाव,
क्या आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है? तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पे बात कर ले। आपने कहा कि नेहरू ने क्या किया, तो मैंने आपको गिना दिया कि नेहरू ने क्या कहते हैं जितने 536 जो रियासत थी ना वो अलग अलग टूट के 536 देश हो जाते हैं। शायद आपको नॉलेज ही नहीं है, वो रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए भाई साहब, आप रिसर्च करिए। अगर आज कोई मोदी जी काम कर रहे हैं ना, तो अमित शाह काम कर रहा है, तो क्रेडिट मोदी जी को मिलता है। तो वो उस समय का गृह मंत्री पटेल था, तो क्रेडिट नेहरू को मिलेगा, प्रधानमंत्री नेहरू था। यार कैसी बात करते, लीडरशिप तो उसी को मिलेगा, प्रधानमंत्री बना है कैसी बात। अरे अरे प्रधानमंत्री बाद में बने गए हैं, मेरी बात सुन, एकजुट पहले कर लिया गया था सर, आपको ये नॉलेज भी नहीं है। आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या दिक्कत है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने तो क्या नुकसान हुआ? देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या पढ़े हो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया है सर, इतने सारे इतने एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट नेहरू देखे गए इस देश को, आप कह रहे हो नेहरू बेकार है? उसने मॉडर्न इंडिया की रचना की है, ठीक है, उसने IIT रखी। अरे उसने अपने तामर को गांधी सरनेम देने की जरूरत पड़ी भाई साहब, देखो यार छोटी छोटी बातें नहीं, आप बताओ ना, मुझे बता दो, अगर वो इतना काबिल था तो नेहरू खान नहीं, सुनो तो नेहरू दुनिया का, अरे तो राजीव गांधी ने रखता, राजीव नेहरू रख देता भाई साहब, मेरी बात समझ रहे, छोटी छोटी बात। अगर वो इतना प्रसिद्ध आदमी, इतना अच्छा आदमी था, तो उसको गांधी सरनेम की जरूरत क्या पड़ी भाई साहब? ये ना छोटे छोटे नाम नाम में क्या रखा, देश का दुर्भाग्य आज हमें कुछ रखा ही नहीं है सर। अंतर इतना है कि अब तो प्रियंका गांधी भी अपने लड़कों का नाम जो है गांधी रख रही है। देखो सर, नाम में कुछ नहीं रखा होता। अरे सर एक सेकंड, धर्म पे नहीं जाते, नाम में कुछ, हम कट्टर धर्म आते हैं। एक सेकंड अंकल जी, हम कट्टर, अरे आप हिंदू, हम सनातनी है, रुक जाइए रुक जाइए, नाम में कुछ नहीं है, आप हम पूजा पाठ, अरे इधर सुन लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा, बहुत अच्छी बात है। जब चंद्रमा पर जो लैंड किया गया था चंद्रयान फर्स्ट, उसका नाम नेहरू पॉइंट क्यों रखा गया था? नाम में कुछ भाई साहब ऐसा है, लॉजिक की बात करो आप, आपने कहा ये लॉजिक है, आपने कहा नाम में कुछ नहीं, उसका नाम नेहरू पॉइंट रख दिया गया। अच्छी बात करो, मैंने आपने कहा कि नेहरू का क्या क्रेडिट, मैंने बता दिया ना आपने नेहरू ने क्या क्या किया देश के लिए, ठीक है, ऐसे मत, आपका वो प्रधानमंत्री था, आप उसको मरने के बाद उसको गाली मत दो। तो मोदी जी ने कोई बढ़िया काम नहीं किया, कोई आज क्या कर रहे, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हो, नेहरू क्या, चलो आप नेहरू जी ने जो क्या किया, मोदी जी ने कुछ बढ़िया किया ही नहीं किया, ये बता दीजिए आपको फैक्ट, ठीक है अभी बताए फैक्ट, बताए सब गलत किया है। नहीं देखो अच्छी बात मैं बता देता हूँ, जो पॉजिटिव थिंग है, नितिन गडकरी का काम अच्छा है, नितिन गडकरी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा है। नहीं, नितिन गडकरी जी किसके अधीन में काम कर रहे हैं, किसके संरक्षण में कर रहे हैं? नितिन गडकरी को अगर सड़क परिवहन मंत्री बनाया, किसने बनाया? तो ये मत बोलो, यहाँ भेदभाव मत करो, जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा बोलो, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं यहाँ लोगों के बीच मौजूद था, लोगों से मैंने राय ली कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो शाहिद का मस्जिद को लेकर फैसला है, उस पर लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN।